पुलिस थाना नूरपुर के अंतर्गत आने वाले टिपरी बाबरी खड्ड में लगे क्रेशर स्टोन ने आसपास के सारे क्षेत्र को पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से हजारों एकड़ जमीन में 100 फीट गहरे गड्ढे कर डाले हैं। पोकलैंड और जेसीबी मशीनें निरंतर अवैध खनन को अंजाम दे रही है। हैरानी की बात यह है कि सब प्रशासन की नाक तले हो रहा है। अवैध खनन के चलते हिमाचल सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक अवैध खनन कार्यों पर अब तक कोई भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। बड़े बड़े नेताओं के क्रेशर जो अपनी राजनीतिक धौंस दिखाते हुए प्रशासन को ठेंगा दिखाकर रोजाना सरकारी भूमि पर पीला पंजा चला रहे हैं। किसकी लगी है ये? किसकी है ये? हाँ जी, ये मित्तल की है। नहीं, महाजन की है ना, क्रेशर वालों की। जो फोगलैन जी फोगलैन लगी है, मित्रा नहीं लगी दी है ना। किनिया गड़ी रोज आनी है? किनिया गड़ी रोज आनी? ये दस दी सोच भी नहीं लाई दी है। बस तू बस यही गल दसनी थी, महाजन की कि है। क्षेत्र के बागवान किसान भूमि बंजर होने के चलते क्षेत्र से पलायन करने के मूड में हैं। सभी नलकूप और सिंचाई योजनाएं सूखने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाकर थक गए हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। अवैध खनन के चलते जम्मू दिल्ली रेल मार्ग पर बने टांगू के दो पुल भी अवैध खनन की भेंट चढ़ सकते हैं। सर, ये जो अवैध माइनिंग, ये चक्की में शरेआम ये माइनिंग, ये फोगलैंड वगैरह, क्या मंजूर है इसके लिए, या ये जो कर रहे हैं क्या कार्रवाई करेंगे आप इसके? जो आपने अभी मुझे क्लिप दिखाई है, इसकी हम पूरी जांच करेंगे कि कहां पर ये जो है खनन हो रहा है, कौन सी लैंड में हो रहा है। वैसे भी तो फोगलैंड तो बना ही है, तो हम इसकी पूरी जाँच करेंगे और उसके बाद कार्रवाई भी करेंगे। किसी को भी नूरपुर में अवैध खनन की इजाज़त नहीं है, ना ही हम किसी को करने देंगे। तो अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो बाई नेम वो ये बंदे बोल रहे हैं कि वो बंदे का क्रेशर है, तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे हम। तभी मैं कह रहा हूँ कि इसकी जांच होगी और हम जांच करेंगे इसकी, और उसके बाद जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद सर। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।